सो सॉरी गाइस, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर। Hey, what's up people? कैसे आप लोग? I'm sure बहुत अच्छे होंगे। So welcome back to my channel. मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट और दोस्त प्रियंका। तो आज मैं अपने चैनल में आपके लिए लेकर के आई हूँ हाई प्रोटीन स्प्राउट रेसिपी। आई नो आप सब इस रेसिपी के बारे में जानते भी होंगे और सबने ये रेसिपी को टेस्ट भी किया होगा, बट आज मैं आपको ये रेसिपी कुछ ऐसे अंदाज में बनाना सिखाऊंगी जिससे आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा, आपको वेट लॉस होगा। देखिए स्प्राउट्स तो सभी लोग बना लेते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, हर कोई जानता है, बट ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि इसमें एक दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे कर लेते हैं कि टेस्ट की वजह से मैं इसमें ये भी ऐड कर लेता हूँ, वो भी ऐड कर लेता हूँ, जिसकी वजह से उनकी शिकायत ये होती है कि यार मैं डाइट तो फॉलो कर रहा हूँ बट मैं वेट लॉस नहीं कर पा रहा हूँ या अपना फैट नहीं लूज कर पा रहा हूँ। तो आज मैं अपने चैनल में आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको ऐड करने से आपका फैट लॉस होगा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको ऐड करने से आप वेट पुट ऑन करेंगे। तो चलिए मैं आपका और समय बर्बाद नहीं करती और लेके चलती हूँ डायरेक्ट अपनी इस रेसिपी की तरफ। लेट्स गो। स्प्राउट्स रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप साबुत मूंग, 1 कप काला चना। अब साबुत मूंग और काले चने को हम लोग रात भर भिगोने के लिए रख देंगे। भिगोने के बाद में हम इन्हें अंकुरित कर लेंगे। अंकुरित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन की क्वांटिटी है ना, वो अंकुरित करने के बाद और बढ़ जाती है। अब हम लेंगे 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर और 1/2 नींबू। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग छोटा छोटा रफली चॉप कर लेंगे। तो अब सबसे पहले जितनी चीज़ें हमने चॉप की थी उसे हम एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। करेंगे हमारे स्प्राउट्स जो हमने अंकुरित किए थे। अगर आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे रोस्टेड पीनट्स, टोफू, पनीर, स्वीट कॉर्न, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। मैंने नहीं ऐड की क्योंकि मुझे सुबह सुबह ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा खाना पसंद नहीं है, तो मैंने बस इतनी चीज़ें ही ऐड की हैं इसमें। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 बड़ा चम्मच काला नमक। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको काला नमक ही यूज़ करना है और आप वाइट सॉल्ट का ना यूज़ करें, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट के कंपैरिजन में वाइट सॉल्ट में वाटर कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, तो आप ब्लैक सॉल्ट का ही यूज़ करें। ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। और ये है थोड़ा सा जीरा पाउडर। सबसे लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 लेमन। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे स्प्राउट्स बनकर के रेडी हो चुके हैं। एक बारी आप भी ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे अपडेट्स जल्दी मिल सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।